देखिए बेटा, सुडो फोर्स के बारे में आपका ये आपकी एक वो है, लिफ्ट है जो कि ए नॉट एक्सलरेशन से ऊपर जा रही है, ठीक है। और आपका एक हैंगिंग ब्लॉक है जो कि इसके सीलिंग से हैंगिंग है, इसके साथ इसके रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है और इस लिफ्ट के साथ ए नॉट एक्सलरेशन से ऊपर जा रहा है। दो ऑब्जर्वर O1 O2 इस मोशन को देख रहे हैं, दोनों को अभी F इक्वल टू MA उतना ही आता है जितना आपको अभी पढ़ाया है मैंने, ठीक है। कि फोर्सेस लगाने इनको भी आते हैं, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, टेंशन फोर्स की डायरेक्शन के साथ ये लोग भी लगा लेते हैं। तो सबसे पहले O1 ने F इक्वल टू MA लगाया है इसके ऊपर, ठीक है। सबसे पहले O1 लगा रहा है F इक्वल टू MA, तो O1 क्या बोलेगा? O1 बोलेगा कि इस पर आप FBD ड्रॉ करो, तो इसका FBD ये हो गया, एक टेंशन फोर्स लग रहा है अपवर्ड में, एक MG लग रहा है, ठीक है। और इस M का जो एक्सलरेशन है वो कितना है? A नॉट है, ये इसका एक्सलरेशन वही है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जितना लिफ्ट का है। तो ये F इक्वल्स टू MA लगा के क्या बोलेगा? ध्यान से देखेंगे बेटा, आप सब लोग बिल्कुल नए हैं इस फील्ड में, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए बिल्कुल। T माइनस MG इक्वल्स टू MA नॉट, नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, तो एक्सलरेशन पॉजिटिव हो गया, ये वाला फोर्स पॉजिटिव हो गया, बट ये नेगेटिव है। जैसे आई कैप जे कैप लगा के लिखूंगा ना, बेसिक रिलेशन क्या होता है? ये होता है एफ वेक्टर इक्वल्स टू एम ए वेक्टर। तो सबको विद डायरेक्शन लिख रहा हूँ, विद डायरेक्शन में चार चार इधर अगर वाई एक्सेस मान लेता तो जे कैप लगा देता, बट मैंने वो जे कैप वाला फैक्टर हटा दिया बस, और प्लस माइनस से काम चला लेते हैं जब स्ट्रेट लाइन पर हम एफ कोई भी वैक्टर इक्वेशन लिखते हैं तो, ठीक है। तो अपवर्ड डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव मान के लिख दिया इसको, टी माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए नॉट। तो यहाँ से टेंशन फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई? एम जी प्लस एम ए नॉट आ गई। ये ऑब्जर्वर O1 कह रहा है बेटा कि टेंशन फोर्स इतना होगा एम जी प्लस एम ए नॉट, ठीक है। ये आपको कौन कह रहा है? कि ऑब्जर्वर कह रहा है, O1 वाला ऑब्जर्वर कह रहा है जो ग्राउंड पर है, कि इसमें टेंशन फोर्स कितना आ रहा है। ये O1 कह रहा है एम जी प्लस एम ए नॉट आ रहा है, ठीक है। ये आपका एम जी प्लस एम ए नॉट टेंशन फोर्स आ गया है, किसके कौन कह रहा है? O1 कह रहा है। अब आपका O2 क्या कहता है? O2 को भी सब कुछ आता है लगाना, बट O2 के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक रेस्ट पर है बेटा, ये बात क्लियर है आप लोगों को? O2 के रिस्पेक्ट में जो कैपिटल ये स्मॉल एम का ब्लॉक है ये रेस्ट पर रहेगा, ये मूव नहीं कर रहा है O2 के रिस्पेक्ट, ठीक है ना। इसका एक्सलरेशन O2 के रिस्पेक्ट में कितना रहेगा? जीरो रहेगा, स्टेशनरी है ना बेटा। इस ब्लॉक लिफ्ट के रिस्पेक्ट में तो ब्लॉक है, ठीक है। ये फोर्सेस कैसे लगाएगा? वैसे ही जितना आपने बताया, बट इसके रिस्पेक्ट में एक्सलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। तो ये नेट फोर्स बैलेंस कर देगा इस पर, और क्या बोलेगा? टी इक्वस टू एम जी बोलेगा। बट ऐसा हो नहीं सकता ना बेटा, एक टाइम पर दो टेंशन की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, ठीक है ना। एक ही टाइम पर दो टेंशन 10 न्यूटन होगी या 12 न्यूटन होगी, एक ही टाइम पर 10 न्यूटन है, उसी टाइम पर 12 न्यूटन है, 30 न्यूटन है, ऐसा इम्पॉसिबल है। तो इसमें से दोनों में से एक तो कोई गलती कर रहा है लगाने में, ठीक है। तो अब तक जितना पढ़ा है इन लोगों ने उसके हिसाब से तो दोनों गलत नहीं है, बट मैं अब एक चीज बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एफ इक्वल टू एम ए ये केवल कहाँ से वैलिड होते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वैलिड होते हैं, ठीक है। एफ इक्वल टू एम ए कहाँ से वैलिड होता है? केवल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही वैलिड होगा। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको बोलेंगे? एग्जैक्ट में तो कोई इनर्शियल फ्रेम नहीं होता है, क्योंकि आपकी अर्थ भी खुद ही घूम रही है, सन के अबाउट रोटेट कर रही है, ठीक है। बट हम जेई के स्टैंडर्ड पर और अपने प्रैक्टिकल पर्पस के लिए इनर्शियल फ्रेम को इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम का मतलब होता है ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर या फ्रेम, फ्रेम का मतलब ऑब्जर्वर ही, ऑब्जर्वर विच हैज जीरो एक्सिलरेशन, ऑब्जर्वर विच हैज जीरो एक्सिलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऑब्जर्वर विच हैज जीरो एक्सिलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। ऑब्जर्वर विच हैज जीरो एक्सलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आपका एफ इक्वल टू एम ए ऐसे ही फ्रेम से वैलिड है, ठीक
ऐसे फ्रेम, ऐसे ऑब्जर्वर जिनका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सलरेशन जीरो होता है, तो इनमें से किसके रिस्पेक्ट में वैलिड होगा? केवल ओवन के रिस्पेक्ट में ही एफ इक्वस टू एम ए वैलिड है। केवल ओवन ही एफ इक्वस टू एम ए को रिलेट कर सकता है, तो उसने कैसे रिलेट किया ये वाला? तो ये वाला एक्सप्रेशन सही है आपका, ये वाला एक्सप्रेशन गलत है। ओवन ही सही बता रहा है, ठीक है, क्योंकि ओवन का एक्सलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जीरो है, ठीक है। बट एफ इक्वल टू एम ए इतना इम्पोर्टेंट रूल है, इतना इम्पोर्टेंट लॉ है कि हम चाहते हैं कि वो ओ टू भी लगा पाए, ठीक है। हम चाहते हैं कि हम किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी लगा पाए। नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या हो गया बेटा? जिसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सलरेशन जीरो नहीं है। तो ऐसा कौन सा है यहाँ पर, मतलब नॉन इनर्शियल मतलब जिसका एक्सलरेशन जीरो नहीं है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो ओ टू यहाँ पर एक्सलरेशन है उसका, ये लोग। तो अगर आप चाहते हैं कि ओ टू से भी आप एफ इक्वल टू एम ए लगा पाए, उसके लिए आपको एक ट्रिक अप्लाई करनी पड़ेगी। उसी ट्रिक का नाम क्या होता है? सुडो फोर्स होता है। आपको सिस्टम पर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपका जो ओ टू ऑब्जर्वर है ये भी एफ इक्वल टू एम ए लगा पाए, एफ इक्वल टू एम ए लगा के टेंशन फोर्स निकाल पाए। तो आपको एक एक्स्ट्रा फोर्स ऐड करना पड़ेगा सिस्टम पे, जिसको हम क्या कहते हैं? सुडो फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो सुडो फोर्स क्या हो गया बेटा? एक एक्स्ट्रा फोर्स हो गया जब आप अप्लाई करेंगे, जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से एफ इक्वल्स टू एम ए लगाना चाहेंगे तभी आप सुडो फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। सुडो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? एफ पी से डिनोट कर रहा हूँ मैं, तो दो चीजें बता रहा हूँ आपको। एक तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है सुडो फोर्स का, ध्यान से सुन लीजिए। जो एक्स्ट्रा फोर्स आपको रियल फोर्सेस के साथ एक एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। आपने रियल फोर्स तो करेंगे ही करेंगे, जैसे टेंशन एम जी तो लगाएंगे ही लगाएंगे, बट अगर आप इसके रिस्पेक्ट में एफ इक्वल टू एम ए लगाना चाह रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में एक्सलरेशन लाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपको सिस्टम पर एक एक्स्ट्रा फोर्स और अप्लाई करना पड़ेगा। उसी एक्स्ट्रा फोर्स को सुडो फोर्स बोला जाता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सुडो फोर्स किसके बराबर होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ सुडो फोर्स होगा मास ऑफ द सिस्टम इनटू, पहले तो सिस्टम का मास आ गया, इनटू एक्सलरेशन ऑफ, इनटू एक्सलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्सलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये सुडो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा बेटा। जिंदगी भर याद रखें, मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। डायरेक्शन क्या होगी इसकी? अब फोर्स लगाना है तो डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए। डायरेक्शन ऑफ सुडो फोर्स हमेशा क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ सुडो फोर्स, डायरेक्शन ऑफ सुडो फोर्स विल बी अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एक्सलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ सुडो फोर्स विल बी अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डायरेक्शन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो भी आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके अपोजिट डायरेक्शन में सुडो फोर्स की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो इन दो बातों का ध्यान में रखते हुए अब ओ टू से अगर एफ इक्वस टू एम ए अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि ओ टू लगाए एफ इक्वस टू एम ए, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार दोबारा बना लेते हैं इसको। ये देखिए आपका इस तरह से ब्लॉक हैंगिंग है और ओ टू आपका कैसा फ्रेम है, क्योंकि ओ टू का एक्सलरेशन वही है लिफ्ट के साथ वाला, ठीक है। O2 को क्या अप्लाई करना पड़ेगा? अब रियल फोर्सेस तो अप्लाई करेंगे करेंगे, टेंशन फोर्स आएगा अलोंग द स्ट्रिंग पुल करेंगे, एक आपका MG आएगा, ठीक है, और एक साथ में सुडो फोर्स लगाना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड मैंने क्या बताया सुडो फोर्स का? मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। और डायरेक्शन इसका, ये आपका ऑब्जर्वर है, इसकी डायरेक्शन किधर है? ऊपर की तरफ है, तो इसलिए आप इस पर एक्स्ट्रा फोर्स लगाना चाहते हैं, वो नीचे की तरफ आएगा। और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? मास ऑफ द सिस्टम, एम आ गया आपका, एम मास का ब्लॉक था, ठीक है,
और इनटू एक्सलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो कितना ए नॉट है, तो आपका एम इंटू ए नॉट है। ये सिस्टम बेटा मैं किसी को भी ले सकता हूँ, बट ध्यान रखते हुए कि उसके हर पॉइंट का एक्सलरेशन सेम होगा। ये बात मैं प्रूफ भी करूंगा, जो नए बच्चे हैं उनको ध्यान रखें, ये बात मैं प्रूफ भी करूंगा कि जो सिस्टम आप एफ इक्वल्स टू एम ए के लिए ले रहे हैं उसके हर पॉइंट का एक्सलरेशन सेम होना चाहिए, उसी को आप सिस्टम ले सकते हैं। तो ब्लॉक तो पूरा रिजिड बॉडी, हर पॉइंट साथ में ही चलेगा, इसलिए इसको सिस्टम ले लिया मैंने। इस पर टेंशन फोर्स लग रहा है एम जी, क्योंकि मेरा ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल है। नॉन इनर्शियल मतलब इसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सलरेशन जीरो नहीं है, तो इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करा, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, मास ऑफ द सिस्टम इंटू एक्सलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम एम इंटू ए नॉट, ठीक है। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसके ऑब्जर्वर के एक्सलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन, तो एक्सलरेशन तो इसके रिस्पेक्ट में जीरो है। तो ये आप, अब आप जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, समीशन एफ इक्वल्स टू एम इंटू एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ओ टू, ऐसे बनेगी बेटा। अब ये एक्सलरेशन भी उस नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में लिखा जाएगा इधर, ठीक है ना। तो आप इसमें अब रख दीजिए वैल्यू, ये आपका जीरो है क्योंकि रेस्ट पर है इसके रिस्पेक्ट में। अपवर डायरेक्शन पॉजिटिव मान लीजिए, टी माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए नॉट आ जाए इक्वल टू जीरो, तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई, एम जी प्लस एम ए नॉट। अब देखो ये भी वही बता रहा है जो आपका वो बता रहा है, जो ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर बता रहा था ना, जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर था, वो कितना बता रहा था, एम जी प्लस एम ए नॉट बता रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी आपका वही बता रहा है, कब बता रहा है, लेकिन तब जब आपने एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाया। तो एक टेक्निक है बेटा एफ इक्वल्स टू एम ए लगाने की, जिससे आंसर सही है। उसके अलावा कौन ये फोर्स लगाता है, कोई नहीं लगाता ये फोर्स, ये तो हम लगाते हैं कब, जब हम किस ऑब्जर्वर से देख रहे हैं, जो कि नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है जिसका खुद का एक्सलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जीरो नहीं है। अगर वो ऑब्जर्वर देख रहा है तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये अप्लाई करेंगे, तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई है, एम जी प्लस एम ए नॉट आ गई है।